नमस्कार, मैं हूं दिवांजलि मोइत्रा। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों की संख्या बड़ी समस्या बनी हुई। राजधानी दिल्ली में कोरोना का इलाज करा रहे लोगों को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ी राहत दी। गृह मंत्रालय ने प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी पर रोक लगाते हुए इलाज की दरों को तय कर दिया। केंद्र सरकार ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है जिसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज की दरों को 2/3 तक कम करने की सिफारिश की गई थी। केंद्र सरकार ने वीके पॉल कमेटी की सिफारिशों को मान लिया। इस सिफारिश के मुताबिक पीपीई किट के साथ आइसोलेशन बेड के लिए 8,000 से 10,000, बिना वेंटिलेटर के साथ आईसीयू बेड का चार्ज 13,000 से 15,000 होगा, जबकि वेंटिलेटर के साथ आईसीयू बेड का चार्ज 15,000 से 18,000 होगा। गौरतलब है कि पहले निजी अस्पतालों में आइसोलेशन बेड का चार्ज 24,000 से 25,000 रुपए था, वहीं आईसीयू बेड का चार्ज 34,000 से 43,000 के बीच था, जबकि आईसीयू वेंटिलेटर के साथ 44,000 से 54,000 रुपए था। ये चार्ज पीपी किट को छोड़कर लगते थे। पॉल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज की दरों को 2/3 तक कम करने की सिफारिश की थी। अब गृह मंत्रालय ने इसे स्वीकार कर लिया। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने द्वार गठित कमेटी के सुझावों के बाद दिल्ली में कोरोना की जांच की कीमत 2,400 रुपए तय कर दी थी।